सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक नए पावरफुल वीडियो में आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करती हूं कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर दें। अब वो समय नहीं रहा कि हम अपना समय व्यर्थ बातों पर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक दिन दिखाता है। मन फिराने के लिए तो तैयार रहना और यीशु के साथ स्वर्ग जरूर चले जाना। अगर जो कोई यहाँ पर रह जाएगा तो उसे कोई दोबारा लेने के लिए नहीं आएगा, फिर उसको इसी पृथ्वी पर तड़पना पड़ेगा मसीह विरोधी के दिन में। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना मेरे प्रियो। तुम उन पांच समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। मैं किसी दिन या किसी घड़ी आ सकता हूँ। वह घड़ी सुबह की भी हो सकती है और दोपहर की भी हो सकती है और रात की भी हो सकती है। बस हमें पाप नहीं करना है, परमेश्वर की नज़र में पवित्र बने रहना है। अगर आप पाप करोगे तो यीशु आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है। हमें संसार की शिक्षाओं पर मन नहीं लगाना है। जो कोई इस संसार से प्रेम करता है वह अपने परमेश्वर को बैरी बनाता है। हमें अपना समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु को देना चाहिए। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, अगर आप संसार से प्रेम करते हो तो संसार के साथ ही मरोगे। अगर जो कोई यहाँ पर रह जाएगा उसका क्या हाल होगा बताती हूँ। परमेश्वर सात विपत्तियाँ आपके ऊपर भेजेगा, मौत मांगूंगी और मौत भी नहीं आएगी, जैसे लिखा हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ बाइबल से प्रूफ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिला करने के लिए मन न फिराया। अगर जो कोई यहाँ पर रह जाएगा यीशु के साथ नहीं जा पाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया और जो मनुष्य इस पृथ्वी पर बचेगी उन्हें परमेश्वर सूरज की किरणों इतना हार्ड बना देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिदा झुलस जाएगी। गलती से भी यहाँ मत रह जाना, क्योंकि उन मनुष्यों को तो परमेश्वर जिदा जाना आएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और उन्हें देखकर अपना जीवन मत बिताओ, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अपना मन फिरा लो। मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा तो उसे स्वर्गदूत नरक में डाल देगी। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 29 वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। परमेश्वर आँख निकालने और न हाथ काटने के लिए नहीं कहता है। अगर आपको लगता है कि मेरा मोबाइल ही मुझे पाप में गिराता है तो उसे कम यूज करो। अगर आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझे पाप में गिराती है तो उसे अभी गुड बाय बोल दो। अगर आपको हस्तमय धुन करने की आदत पड़ गई है तो अभी बंद कर दो। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरनी परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। आशा करती हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल जीवित परमेश्वर को सब्सक्राइब करें। अगला लिए आप सभी को जय मसीह की। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।